तमिलनाडु के इरोड में जन्मे इवी। रामास्वामी 20वीं सदी के एक क्रांतिकारी राजनेता थे। पेरियार के नाम से विख्यात ईवी रामास्वामी का तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर आज भी इतना गहरा असर है। उन्हें कम्युनिस्ट से लेकर दलित आंदोलन विचारधारा, तमिल राष्ट्रभक्त से तर्कवादियों और नारीवाद की ओर झुकाव वाले सभी उनका सम्मान करते हैं। पेरियार ने ताजिंदगी हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। जाति प्रथा का घोर विरोध किया। आइए सुनते हैं पेरियार के 20 क्रांतिकारी विचार। नास्तिकता मनुष्य के लिए कोई सरल स्थिति नहीं है। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के लिए किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। यह स्थिति उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। आप धार्मिक व्यक्ति से किसी भी तर्कसंगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते। वह पानी में लंबे समय से पत्थर मार रहा है। मैंने सब कुछ किया, मैंने सभी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, सभी की तस्वीरों को जला दिया। मेरे ये सब करने के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो इसका मतलब है कि जनता जागृत हो रही है, उसे स्वाभिमान और बुद्धि का अनुभव हो रहा है। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वे सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने और नष्ट करने की अपील करता हूँ। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है, जबकि वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है। अछूत कहकर तुम्हारी निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए एक रुपया भी दान किया? न कोई देवी है, न कोई देवता है। जिसने इनका आविष्कार किया वह धूर्त है। वह जो भगवान का प्रचार करता है एक बदमाश है। वह जो भगवान की पूजा करता है वह मूर्ख है। अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है, तो ऐसे देवता को नष्ट कर दो। अगर धर्म है तो इसे मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता या अन्य कोई पुराण आदि है तो उन्हें जलाकर राख कर दो। अगर ये मंदिर या त्योहार हैं, तो इनका बहिष्कार कर दो। यदि हमारी राजनीति ऐसा करती है तो उसका खुले रूप में पर्दाफाश करो।